Good morning, dear students. Welcome to your EVS class. So let's get started. Yes, students, in previous audio we have discussed about air. So today we are going to discuss about water. Major part of our earth is covered with water. Therefore, earth is also called the blue planet. Water is a natural resource. The snow melting from the mountains turns into water. Then this water flows into rivers, streams and waterfalls. So बच्चे जो water है that is a natural resource, मतलब हमें naturally water मिला हुआ है, God ने बनाया इसे. So जो major part है हमारी earth का that is covered with water. Land तो है हमारी earth में, साथ में और उसका major part क्या है, that is water. अब वाटर का कलर कौन सा होता है, जो हम सीज देखते हैं या हमने कभी भी ड्रॉ करना होता है वाटर सीन या कुछ ऐसा, तो हम कौन सा कलर फील करते हैं वाटर में, स्काई ब्लू. ओके, तो इसीलिए वाटर को हम क्या, सॉरी अर्थ को हम और क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, ब्लू प्लैनेट. ओके, सो जो अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो होती है, जब स्नो पड़ती है तो जब स्नो मेल्ट होती है उसका जो वो किस में मेल्ट होकर किस में टर्न होती है, दैट टर्न्स इनटू वाटर, वाटर में टर्न होती है. और जो रिवर्स स्ट्रीम्स वाटर वाटरफॉल में जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है, वो यही वाटर होता है जो स्नो मेल्ट होके बना होता है. ओके, जब स्नो मेल्ट होती है तो इन सब में वाटर आ जाता है, रिवर्स में, वाटरफॉल्स में, स्ट्रीम्स में. रेन वाटर कलेक्ट्स इन लेक्स एंड पॉन्ड, इट ऑल्सो गोज अंडर द ग्राउंड. जो रेन वाटर होता है, रेन जब पड़ती है तब क्या होता है, पॉन्ड्स और लेक्स जो होते हैं उसमें सारा वाटर, रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है. या कुछ वाटर जो और होता है वो कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है. ठीक है, हमारी ज़मीन है, अंडरग्राउंड है, उसके नीचे चला जाता है. और फिर हम उसे कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स, इन सब की हेल्प से हम उस अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं. लाइक इन आर हाउस, हमारे घर में भी हम क्या करते हैं, मोटर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर निकालते हैं. ओके, फिर हमारी टैप्स में आता है वाटर, हम उसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ यूजेज ऑफ वाटर, वी नीड वाटर फॉर सेवरल पर्पसेज. हमें डेली के यूज़ में कितना यूज़ होता है वाटर का, आप सबको पता ही है. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड प्रिपेयर फूड. प्लांट्स को चाहिए प्रिपेयर करने के लिए फूड वाटर. एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक, पीते हैं एनिमल्स वाटर को और अपने आप को क्लीन रखते हैं, उसके लिए उनको वाटर चाहिए. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड लिव ओनली इन वाटर. कुछ प्लांट्स एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वाटर में ही ग्रो करते हैं. So now students, you can see here are some pictures where you can see the use of water. Drinking is first, washing, cooking, growing crops. Okay? So now we will discuss about water pollution. Water pollution क्या होता है, water का pollute होना, गंदा होना water. कैसे होता है water pollute? Waste products thrown into rivers from homes and factories. हमारे घर में से जितना भी garbage निकलता है, कूड़ा निकलता है या factories में से waste material निकलता है, उसको जब हम रिवर्स में थ्रो कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन. वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में कैसे आएगा, ये देखिए इन द पिक्चर यू कैन सी हियर वन लेडी सिटिंग नियर द रिवर, रिवर के पास बैठे हैं और वो क्या कर रही हैं, वॉश कर रही हैं क्लोथ्स. ओके, सो जब वॉश करते हो क्लोथ्स में से जो सोप निकल रही है या उसमें से जो गंदगी निकल रही है क्लोथ्स में से, वो कहाँ मिक्स हो रही है, सारी वाटर में जाके. नेक्स्ट इज़ बाथिंग एनिमल इन द रिवर, रिवर में इन द वाटर, बाथिंग एनिमल इन द वाटर. जब एनिमल्स बाथ लेते हैं वाटर में डायरेक्ट, ये देखिए इन द पिक्चर हेयर यू कैन सी, ओके, काउज आर बाथिंग ना, बाथ ले रही हैं, तो इससे भी वाटर इम्प्योर होता है. ये तो आजकल भी हम विलेजेस में देख सकते हैं ऐसे हो रहा है, जिससे वाटर हमारा इम्प्योर होता है. सो नेक्स्ट, हेयर आर द मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर, वाटर को क्लीन कैसे किया जा सकता है. फर्स्ट इज़ बॉइलिंग, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन वाटर. जब भी हमने वाटर को प्योर बनाना है, उसे इम्प्योरिटीज़ उसमें से हमने ख़त्म करनी है वाटर में से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड है दैट इज़ बॉइलिंग. जैसे ही हम उसे बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे उसे, बॉयल करेंगे तो उसमें जितने भी जर्म्स हैं वो सारे किल हो जाते हैं. ओके, समटाइम्स डॉक्टर ऑल्सो रिकमेंड यू कि आपने बॉइलिंग वाटर पीना है ना, जब आपको फीवर होता है कुछ होता है, तो वो ये इसीलिए सजेशन देते हैं क्योंकि बॉइलिंग वाटर से सारे जर्म्स किल हो जाते हैं.
नेक्स्ट इज फिल्टरिंग. ये तो आजकल सबके घर में फिल्टर्स लगे हुए हैं. फिल्टर्स क्या करते हैं, रिमूव द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर. जितनी भी वाटर में इम्प्योरिटीज हैं सबको रिमूव करते हैं. कीप द वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स. आप सबको क्या करना चाहिए, जो वाटर स्टोर करते हैं उसको क्लीन वेसल्स में, क्लीन यूटेंसिल्स में कवर करके रखना चाहिए. डू नॉट फॉरगेट टू वॉश हैंड बिफोर हैंडलिंग वाटर. जैसे भी हमने वाटर का कुछ यूज़ करना है तो उससे पहले हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए. नेक्स्ट, हाउ वी कैन सेव वाटर. वाटर को हम कैसे सेव करते हैं. वेरी लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. आपको पता है कि वाटर का लेवल पहले से भी काफ़ी कम होता जा रहा है क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है. तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं. फर्स्ट, टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़. हमें जब भी हमें लग रहा है कि टैप विदाउट यूज़ चल रही है तो हम उसे ऑफ करना चाहिए. उसे लाइक व्हेन वी आर ब्रशिंग, जब हम ब्रश कर रहे हैं हम टैप ऑन रखते हैं तो ब्रश करते हो टैप ऑन रखने का तो कोई बेटा इसमें कोई है नहीं, है ना, कोई रीज़न. तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम, हमें टर्न ऑफ करना चाहिए, उसे टैप को ऑफ कर देना चाहिए ताकि वाटर वेस्ट ना हो. नेक्स्ट, रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स इमीडिएटली. जैसे आप देखो कि आपके घर में कोई पाइप लीक कर रहा है या कोई टैप लीक कर रही है तो उसे भी हमें रिपेयर करना चाहिए. इससे भी हमारा वाटर सेव होता है. डू नॉट वॉश क्लोथ्स और बाथ एनिमल्स इन द वाटर बॉडीज. एज वी हैव डिस्कस अर्ली, ऊपर हमने डिस्कस किया है कि क्लोथ्स या एनिमल्स को डायरेक्ट हमें वाटर बॉडीज़ में उनको नहाने के लिए नहीं देना चाहिए या कपड़े वहाँ पे वॉश नहीं करने चाहिए. कलेक्ट रेन वाटर. रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए. जब भी रेन होती है उसको कलेक्ट करके उस रेन वाटर का क्या कर सकते हैं, वी कैन गार्डनिंग. हम प्लांटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, वाटर को प्लांट्स को वाटर दे सकते हैं, है ना. और भी कुछ यूजेस हो सकते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं उस वाटर के. सो स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस, वी हैव डिस्कस वाटर पोल्यूशन, क्लीनिंग ऑफ वाटर, सेव वाटर एंड यूजेस ऑफ वाटर. वाटर के क्या क्या यूजेस हैं. नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर वी हैव ऑल्सो डिस्कस. सो आई थिंक दिस ऑडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच.